हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहिद रसूल, स्टूडेंट ऑफ आईबीए कराची बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। टिल नाउ वी हैव डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट लाइक नेस्ट, आईबीए कराची एंड लम्स। थ्रू दीज फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज यू कैन डू यूर इंजीनियरिंग बिजनेस रिलेटेड डिग्रीज एंड सोशल साइंसेज इन दीज इंस्टीट्यूट्स, बट वन थिंग वॉज मिसिंग, स्कॉलरशिप फॉर मेडिकल स्टूडेंट। So in this video, we are going to discuss scholarship for medical student if they want to do MBBS in one of the prestigious institute in Pakistan like Aga Khan with financial freedom. So this video is for you. In this session, our guest is Musa Hamza, and we will try to cover different topics like how you can prepare for Aga Khan entry test, what is the procedure of getting admission in Aga Khan for MBBS, and how you can get financial freedom through financial aid or challenge scholarships in Aga Khan. So this session is going to be very fruitful for you if you want to do MBBS in Aga Khan. So be with me. Let's go. Assalamu alaikum, Shahid. So my name is Musa Hamza and I am a student of AQ of class of 2025. अभी recently मैंने अपने first year के prof के exams दिए और अब हम second year में promote हुए हैं। और यही जर्नी मेरी कि मैं एक एफ एस सी लेवल बेस्ड स्टूडेंट हूँ। किप्स कॉलेज से मैंने एफ एस सी की है और उसके बाद मैं एक यू में अपना एमबीबीए कर रहा हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ क्वेश्चन लाइक व्हाई आगा खान। लाइक पाकिस्तान में और भी बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट हैं एमबीबीएस के लिए, किंग एडवर्ड का नाम, बाकी पंजाब के अंदर जो बच्चा बैठा होता है ना उसके नाम में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट आता है किंग एडवर्ड। They don't think so कि पाकिस्तान में एक और इंस्टीट्यूट भी है आगा खान। तो what do you think कि why आगा खान is better than other institute, क्या what is plus point? So शायद basically कुछ ऐसी बात है कि आपके जो government के institutes हैं ना उसमें आपको cramming पे बहुत ज़्यादा focus कराया जाता है। उसमें आपका government institute और AQU में जो MBBS का जो आपका syllabus है वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से पढ़ाया जाता है। AQU में ये होता है कि हम पहले टू इयर्स में हम सेवन बेसिक साइंसेज के सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं और उसके बाद थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स हमारे क्लिनिकल्स और रोटेशंस शुरू हो जाती हैं जिससे हमें ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है क्लिनिकल साइड पे और हमारा क्लिनिकल नॉलेज बेहतर होता है। जो आपका गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं उसमें ये होता है कि आपको फर्स्ट ईयर में आप तीन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, एनाटॉमी, फिजियो और बायोकेम, और सेकेंड ईयर में भी आप यही तीन पढ़ते हैं लेकिन डिफरेंट बॉडी पार्ट। और इसमें यही है कि आपको ज्यादा आपको फोकस कराया जाता है कि आप बस बुक से पढ़ें और आप उसको याद करते जाओ, बस याद करते जाओ। AQU में बेसिकली आपका प्लस पॉइंट, आपका एडवांटेज ये है कि वो आपको क्लिनिकल साइड, क्लिनिकल नॉलेज पे वो आपको ज्यादा फोकस करते हैं। वो हमारे रेगुलर बेसिस पे हमारे हर मॉड्यूल में हमारे क्लिनिकल सेशन होते हैं जिसमें हमें हिस्ट्री लेना पेशेंट से फर्स्ट ईयर से सिखाना शुरू करा देते हैं, हिस्ट्री लेना, एग्जामिनेशन करना और कैसे पेशेंट से किस तरह डील करना वो हमें पहले से सिखाना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप एक जगह जब आप तीन सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और फिर आपको आपकी फार्माकोलॉजी और आपकी जो पैथोलॉजी वो आपकी फोर्थ और फिफ्थ ईयर में आती है, जब थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में, तो आपको फिर मुश्किल हो जाती है। AQU में ये है कि आप सारे सब्जेक्ट्स आप एक साथ पढ़ रहे हैं तो आपके वो सारे जब डॉट्स आपके कनेक्ट होना शुरू होते हैं तो आपको ज्यादा ईजी समझ आ जाता है। मेरे ख्याल में ये AQU का प्लस पॉइंट है। लाइक यू वांट टू से कि जो हम आम मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर पांच साल तक वो कुछ कुछ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और फिर जब आखिरी सब्जेक्ट की बारी आती है तो फिर वो जो कनेक्शन होता है पिछले प्रीवियस सब्जेक्ट के साथ जोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि एनाटॉमी आपकी फर्स्ट ईयर में होती है और फर्स्ट सेकेंड ईयर में, पैथो फार्मा आपकी थर्ड फोर्थ ईयर में होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। फिर दो साल का जब आपका गैप आ जाता है तो फिर आपको वो दोबारा सारा याद करना और वो डॉट्स कनेक्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हम सारे सब्जेक्ट साथ साथ पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए समझना आसान हो जाता है। अच्छा, वैसे ये जो आगा खान है इसका जो MBBS है यानी लाइक जो इनका होता है जितने भी पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस हैं इनकी लाइक एक एग्जामिनेशन होती है, सबके इकट्ठे होते हैं, तो इनकी भी कोई इस तरह एग्जाम होती है, इनके अपने ही यूनिवर्सिटी के अंदर ही कंडक्ट किए जाते हैं? सो बेसिकली आगा खान चूंकि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो उसका अलग से एंट्री टेस्ट होता है और उसका ये आप आगा खान में एडमिशन का क्राइटेरिया ये कि आप पहले वो एंट्री टेस्ट पास करेंगे आगा खान का जो एंट्री टेस्ट है और उसके बाद आपको जो नेशनल एमकैट होता है आपको बस वो पास करना जरूरी है। अच्छा, यानी
जो एमडी कैट की एक पाकिस्तान की लिमिट है वो नंबर होते हैं 120, लास्ट टाइम 120 थे आई थिंक पास के लिए, मुझे याद नहीं कि आई थिंक लास्ट टाइम 120 से ज्यादा हो गए थे, लेकिन बस वो अच्छा जो लिमिट आपकी आ जाती है, आपने एम कैट में होते हैं नंबर लेने, पास करने। उससे आप वो पास करने, और आ खान का एंट्री टेस्ट आपने पास करने। अच्छा यानी पहले आपने अपने आप को पास लिस्ट के अंदर शो करवाना है कि यस अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान लॉ यू आर एलिजिबल कि आप अपना एमबीबीएस कवर कर सकते हैं। वो पास जो होता है वो तो यही शो करता है कि यस यू कैन डू एमबीबीएस बिल्कुल, आफ्टर। बेसिकली हाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कि आपके एफएससी में 70% से ऊपर नंबर हो, हाँ तो सेवेंटी उसके परसेंट बाद क्योंकि क्योंकि एकेयू का एंट्री टेस्ट जो है वो एमकैट से पहले हो जाता है, तो पहले आप एकेयू का टेस्ट देते हैं और ठीक है। उसके बाद आप फिर एमकैट आपके लिए पास करना जरूरी है। अच्छा यानी 70% इज अ रिक्वायरमेंट कि आपके एफएससी में 70% हो, तो उसके बाद जरूरी है कि आपने आगा खान का टेस्ट पास करना है। आगा खान का टेस्ट पे क्या होता है कि कहते हैं कोई मेरिट सिस्टम होता है यानी कोई स्पेसिफिक सीट्स के ऊपर हर साल मेरिट तब्दील होता रहता है। नहीं, एक बात आगा खान की है कि यहाँ पे ओपन मेरिट होता है, यहाँ पे कोई कोटा सिस्टम नहीं है, तो ये होता है कि आपका हर साल एंट्री टेस्ट होता है, हर बच्चे परफॉर्म करते हैं, तो उस हिसाब से उनके ना वो फिर कट ऑफ बन जाता है, जो उन्होंने ना जितने भी उनके स्टूडेंट्स आ रहे हैं बेसिकली उन्होंने टॉप 300 ऑलमोस्ट सेलेक्ट करने होते हैं एंट्री टेस्ट के बाद, ओके तो वो हर साल जो वो आपका वो मेरिट का कट ऑफ है ना वो डिफरेंट होता है, यानी किसी साल आपका 70% पे हो सकता है, किसी साल 65% पे हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। ओके एनी इट्स ऑल डिपेंड अपॉन मेरिट। ये नहीं है कि कोई क्लोज मेरिट सिस्टम नहीं है कि वो ओपन नहीं करते, वो एक ओपन मेरिट सिस्टम है कि इसके ऊपर टॉप 300 स्टूडेंट्स को वो उठा लेंगे एमबीबीएस के लिए, सिलेक्शन यही उनका प्रोसीजर है। और कोई टेस्ट पास के बाद भी बिल्कुल, जो 300 MBBS स्टूडेंट्स वो उठाते हैं, उसके बाद इन 300 की ऑलमोस्ट इंटरव्यू होते हैं, सबके इन इंटरव्यू। सबके इंटरव्यू होते, सबके इंटरव्यूज होते हैं, और उस इंटरव्यू के बाद फिर वो टॉप 100 सेलेक्ट करते हैं जो उनकी ग्रेजुएटिंग क्लास में आते हैं। ओके नाउ आई अगर मैं ये सम अप करूं, अगर ये आप कहना चाह रहे हैं कि पहले 70% एफएससी में हों उसके, फिर वो आगा खान का टेस्ट देगा, आगा खान के टेस्ट के अंदर ऑन द मेरिट अगर वो 300 टॉप स्टूडेंट्स में आ जाता है तो उसके बाद फिर उसे क्या करना पड़ेगा, उसको इंटरव्यू के प्रोसीजर से भी गुजरना पड़ेगा जहां पर टॉप 100 को सिलेक्ट किया जाएगा। एंड देन ये भी जरूरी है कि वो एमडी कैट भी पास करें, एंड एमडी कैट भी पास करें तब जाकर वो एमबीबीएस के लिए आगा खान में सिलेक्शन कर पाएगा। क्या जी जी वैसे ये एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने एमडी कैट की तैयारी करके दूसरे इंस्टीट्यूट में भी अप्लाई किया था या सीधा आगा खान के लिए ही करना था? नहीं, क्योंकि हर बच्चे का डिफरेंट केस होता है, तो मैंने कैट की तैयारी की थी और मेरा एडमिशन भी हो गया था कायद आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में, और आगा खान में चूंकि मैं वेटिंग लिस्ट पे था तो मैं थोड़ा देर से आया था, अबाउट अबाउट 2 वीक्स लेटर, तो मैं फिर बहावलपुर कॉलेज छोड़ के फिर आगा खान आया था, क्योंकि मेरे ख्याल में मेरे लिए ये पढ़ने की बेहतर जगह थी। हाँ वो तो प्रायोरिटी वाइज तो वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अच्छा अब अगर हम बात ये करें कि आगा खान इज नॉट के भाई वो कोई सस्ता नहीं है, लाइक मुझे याद है कि मैं भी एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं अब आईबीए के अंदर पढ़ रहा हूँ, तो जब मैं सोच रहा था कि हाँ यार मैं भी आगा खान के मुझे स्कॉलरशिप का पता चला था तो मैं उसके लिए अप्लाई कर रहा था, तो मैंने किसी को बताया और वो मेरा जो दोस्त था वो एमबीबीएस कर रहा था, तो मैंने उसे कहा कि यार आई वांट टू डू एमबीबीएस इन आगा खान, तो उसने कहा यार तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए हैं सही तुम्हारे पास, तो मैंने सोचा यार इतनी बड़ी अमाउंट तो मैं नहीं पे कर सकता, ये मैं कैसे पे करूंगा। तो ये तो कोई भी यानी एक जो एमबीबीएस कर रहा होता है वो ज्यादातर मिडिल क्लास या अनकंट्रोलेबल इलाकों से होते हैं तो वो तो नहीं पे कर सकते। तो व्हाट्स द अपॉर्चुनिटी लाइक आई हर्ड अबाउट चैलेंज स्कॉलरशिप, सो व्हाट इज चैलेंज स्कॉलरशिप? सो बेसिकली थोड़ा मिक्सअप है, जो आपकी जो आगा खान में एमबीबीएस के लिए स्कॉलरशिप होती है वो डिफरेंट है, और जो आपका चैलेंज स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो इंटायरली डिफरेंट चीज है। चैलेंज स्कॉलरशिप प्रोग्राम बेसिकली आगा खान कैंप होता है जो वो अरेंज करते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि आगा खान के जो ज्यादा स्टूडेंट्स हैं वो ए लेवल ओ लेवल बेस्ड हैं,
उनके साथ जो स्टूडेंट्स की तादाद है ए लेवल वालों की जो से आते हैं और एफएससी वालों की कम होती है मोस्टली। तो इसलिए आगा खान हर साल एक कैंप अरेंज कराता है जो उन्होंने 2017 से शुरू किया था, तो चैलेंजशिप प्रोग्राम के, उसमें वो एक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं पूरे साल में, और उस टेस्ट की जो मार्क्स आते हैं उसकी बेसिस पे प्लस आपके मैट्रिक के जो मार्क्स आते हैं उसकी बेसिस पे वो टॉप 50 स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं जो वो कैंप अटेंड करते हैं। तो बेसिकली वो उस कैंप में ये होता है कि वो जो वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं वो जो उनकी कमेटी है पूरी जो ऑफिस है रजिस्ट्रार का वो आपको एक्सपोजर देता है पूरी यूनिवर्सिटी के बारे में। वो आपको बताता है कि आप आगा खान किस तरह आ सकते हैं, किस तरह की तैयारी कर सकते हैं आप, क्योंकि मैट्रिक लेवल स्टूडेंट के लिए आगा खान में एंटर होना कंपेरेटिवली मुश्किल है एज कम्पेयर ए लेवल के स्टूडेंट के लिए। वो तो वहाँ पे वो सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं, हमें बताते हैं कि आप किस तरह एक ही वो आ सकते हैं, आप किस तरह फाइनेंशियल एड सिक्योर कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ और मजीद फन एक्टिविटीज होती है, थोड़ा सा एक फन टाइप उन्होंने एक बनाया हुआ है, पूरा 10 डेज का प्रोग्राम होता है, और इसी तरह बस मुख्तलिफ अपने एल्यूमिनाई से मिलवाते हैं और वो एल्यूमिनाई से मिलवाते हैं और उनसे आपकी बात करवाते हैं ताकि आप मजीद आपकी थोड़ी माइंड ब्रॉडन हो, आपकी सोच इनोवेटिव हो। तो बेसिकली चैलेंज स्कॉलरशिप प्रोग्राम में कोई एमबीबीएस रिलेटेड कोई स्कॉलरशिप नहीं है, वो खाली मतलब एक एक एक्सपोजर का एक प्रोग्राम है जिसके बिल्कुल अंदर आपको यूनिवर्सिटी लाइफ दिखाई जाती है, और ऐसा वो भी 10 डेज का एक प्रोग्राम होता है और वो खाली खाली मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए होता है और मैट्रिक स्टूडेंट्स अपने एफएससी के पेपर के बाद आ सकते थे। है। नहीं, फर्स्ट ईयर के एग्जाम के बाद, फर्स्ट ईयर के अंदर मेकिंग आजकल उनके एप्लीकेशंस ओपन है, लाइक फर्स्ट ईयर का बच्चा अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर, जी बिल्कुल और सेकेंड ईयर से, जब वो सेकेंड ईयर में होगा तब उसको बुलाएंगे 10 डेज के लिए और वहां पर उसे सिर्फ यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर देंगे। सो व्हाट द फाइनेंशियल एड ऑप्शन के, लाइक अगर कोई बच्चा आगा खान की उस चैलेंज स्कॉलरशिप को, इट्स मीन कि वो चैलेंज स्कॉलरशिप का जो पोर्शन है वो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का एक एक्सपोजर दे रहा है, तो व्हाट यू थिंक कि अगर हमने फाइनेंशियल एड लेकर आगा खान के अंदर इन होने हैं, तो हमने वो तो सब कुछ डिस्कस कर लिया कि एडमिशन का क्राइटेरिया ये है, आपको ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेंगी आप आगा खान के अंदर आ गए। अब नाउ अगर एक बच्चा फाइनेंशियल तौर पर अनएबल है, एडमिशन उसने सिक्योर कर लिया, तो क्या अपॉर्चुनिटी है उसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए उसके कोई चांसेस हैं कि वो फाइनेंशियल एड हासिल कर सके? जी बिल्कुल शाहिद, एक बात जो एक्यू की बहुत अच्छी है वो यही है कि आपको यहाँ पे फाइनेंशियली वो बहुत सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपका मिशन होना चाहिए कि आप एक्यू में टॉप 100 में आप अपना एडमिशन सिक्योर कर लें। एक बार वो हो गया तो एक्यू अपना बेस्ट ट्राई करता है कि वो आपको जाने ना दे, चाहे आप फाइनेंशियली उस सपोर्ट कर सकते हैं खुद को या नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज है और वो हर साल बढ़ती जाती है। पहली तो स्कॉलरशिप ये होती है कि जो टॉप 100 में से जो टॉप 5 स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी उनकी उनको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। हंड्रेड जो परसेंट टॉप 5 स्टूडेंट्स आते हैं ओके अच्छा उनको 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 उनके मार्क्स की बेसिस पे 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल एड प्रोग्राम है वो भी है। फाइनेंशियल एड में ये होता है कि आप उनके फाइनेंशियल एड फॉर्म्स आते हैं, ऑलमोस्ट हर साल मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 60% ऑफ द बैच तो फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करता होगा। ओके उनके फाइनेंशियल एड के फॉर्म्स आते हैं और फिर आप वो सारे फॉर्म्स अपने फिल करते हैं और उनको भेज देते हैं और थोड़ी देर बाद उनका उनका वो आपका डिसीजन आ जाता है। और एक उसमें ये उनका ये क्राइटेरिया है कि आपकी कुछ फीस वो आपको वो हर बच्चे के जितनी सब वो है फाइनेंसेस उसके हिसाब से वो आपकी फीस 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक वो फीस है जो आपने पे करनी है उसी वक्त यानी अपने एमबीबीएस प्रोग्राम के दौरान, एक वो फीस है जो ग्रांट हो जाती है, ग्रांट में ये कि वो फीस आपको उन्होंने माफ कर दी वो आपको नहीं भरनी है, और तीसरी होती है लोन, स्टूडेंट लोन। तो स्टूडेंट लोन का क्राइटेरिया ये कि स्टूडेंट लोन जो है ना वो आप जो आप पे आ जाएगा वो फिर आपके एमबीबीएस प्रोग्राम के बाद आपको फिर पे करना होगा वापस, और उसपे वही 5% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होंगे जो हर साल इंक्रीज होते जाएंगे। और उसका क्राइटेरिया ये कि जब आप अपने एमबीबीएस के 5 साल पूरे कर लेंगे उसके बाद आपको मजीद 2 साल का टाइम मिलेगा और उसके बाद से आप अपने स्टूडेंट लोन पे कर सकते हैं। तो एकीयू फाइनेंस के लिहाज से बहुत सपोर्ट करते हैं बच्चों को। ओके दैट्स गुड थिंग कि आपके पास सबसे पहली बात तो है कि अगर आप टॉप 5 में आ जाते हैं तो भी आपके लिए एक ऑप्शन है कि आपकी फीस माफ हो जाएगी, और फाइनेंशियल एड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। एंड नंबर 3 कि आपको वो कॉम्बिनेशन करके दे देते हैं कि आपको 50% लोन दे देंगे, आई थिंक 50% आपकी वो फीस माफ कर देंगे, और वो 50% लोन होगा वो आपको आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर एमबीबीएस यू हैव टू यू विल हैव टू पे बैक।
ओके दैट्स अ गुड थिंग। और आई वुड लाइक कि आप अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर करें कि लाइक व्हाट वाज द योर जर्नी के चैलेंज स्कॉलरशिप के अंदर आना, और चैलेंज स्कॉलरशिप का जो टेस्ट था वो कैसे पास किया। सो बेसिकली क्योंकि मैं इससे पहले भी एक दो कैंप्स में जा चुका था, तो मेरी कराची में ए लेवल्स बेस जो लोग हैं उनसे बात हुई थी, और उन्हीं से सुन के पता चला था कि AKU जो है वो काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है MBBS के लिहाज से। तो इसी वजह से थोड़ा मेरा एक इंट्रीक हुआ था, मैं थोड़ा सा और थोड़ा मेरा माइंड बना था कि मैं चेक करूँ कि AKU में किस तरह जाया जा सकता है। और फिर मुझे एक फ्रेंड के थ्रू इस CSP प्रोग्राम का पता चला, तो मैंने सोचा कि इसमें अप्लाई कर दूँ, और फॉर्चुनेटली मेरा नाम भी आ गया टॉप 50 में, तो मैं उस पर गया। और वहां जाके मुझे बहुत फायदा हुआ CSP से, क्योंकि जो मैंने जिस तरह बताया कि वो पूरा आपको यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर देते हैं, आपको अपना करिकुलम सिस्टम बताते हैं कि हम किस तरह पढ़ाते हैं, किस तरह आपको हम बेहतर बना सकते हैं, और इसके उसके अलावा ये भी कि क्योंकि मोस्टली लोग वही होते हैं जो जाहिर सी बात है अफोर्ड नहीं कर सकते पूरी फीस, तो उनका जो फाइनेंशियल एड प्रोग्राम था वो भी बहुत स्ट्रांग। और अभी भी आप देखें तो आई थिंक इट इज वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेजेस इन पाकिस्तान, और टॉप पे ये बिल्कुल, और इनका पर जो करिकुलम सिस्टम जो है वो भी बहुत बेहतरीन है। तो फिर मेरा आहिस्ता आहिस्ता माइंड बना कि मैं AKU में अपना एडमिशन सिक्योर करूंगा, और उसी तरह फिर मैंने अपनी AKU की तैयारी, उसके बाद जब मैं वापस आया, जब मैं सेकेंड ईयर में गया था, उसके बाद फिर मैंने साथ साथ अपनी AKU एग्जाम की तैयारी भी शुरू की। अच्छा, अगर AKU के और हम MDCAT के टेस्ट को देखते हैं तो व्हाट्स द डिफरेंस, कौन सा ज्यादा टफ है या कौन सा ज्यादा इजीएस्ट है, आप किस तरह इनको दोनों क्लासिफाई करते हैं। इफ समवन प्रिपेयर्ड वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनएम फॉर नेशनल MDCAT, और तो क्या वो आखिर का टेस्ट क्लियर कर सकते हैं, उसको कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स कुछ कवर करने पड़ेंगे। सो बेसिकली बात ये कि काफी फर्क है NMD कैट में और AKU के टेस्ट में। जो NMD कैट है वो आपका प्योरली जो है वो आपका लर्निंग बेस्ड, प्योरली नहीं लेकिन ऑलमोस्ट 70-80% जो क्वेश्चन आते हैं उसमें वो आपकी मेमोरी से आते हैं, लर्निंग बेस्ड आते हैं, और AKU में ज्यादा एप्लीकेबल नॉलेज को वो फोकस करते हैं। तो ये क्योंकि AKU का जो करिकुलम है, जो उनके एंट्री टेस्ट का जो करिकुलम है वो भी MCAT से ज्यादा होता है, यानी उसमें ज्यादा टॉपिक्स उन्होंने इंक्लूड किए होते हैं। तो अगर आप खान वालों ने, तो अगर आप MCAT की फुल तैयारी कर लेते हैं तो आप ऑलमोस्ट 70-80% आपने AKU के एंट्री टेस्ट की भी तैयारी कर ली। फर्क सिर्फ वहां पे आता है कि आप पेपर के दौरान कैसे आप पेपर सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो AKU के क्वेश्चंस है वो MCAT से इंटायरली डिफरेंट होंगे, वो प्योरली आपके एप्लीकेबल नॉलेज के बेस पे होगा कि आपको इस टॉपिक के बारे में आपको पता है, आपने सारा याद किया हुआ है, लेकिन क्या आप उस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं एक सिनारियो में। तो उसके लिए फिर आपको इनके जो है वो सैंपल पेपर्स भी पड़े हुए हैं उसमें इनकी वेबसाइट पे AKU के। इसके अलावा जो मैंने देखा है जो ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली सैट की थ्रू तैयारी करते हैं, AKU के एंट्री टेस्ट के सैट के बुक्स के थ्रू, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे AKU की ज्यादा बेहतर तैयारी की जा सकती है AKU के एंट्री टेस्ट की। जो मेरा क्राइटेरिया था, मैंने तो बेसिकली MCAT की ज्यादा तैयारी की थी, और साथ साथ जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे तो मैंने थोड़े बहुत YouTube से वीडियोस देख ली, थोड़ा बहुत Google से सर्च कर लिया, और इस तरह कर लिया। और टॉपिक्स एक और चीज ये है कि की कोई लिस्ट है, एक प्री डिफाइंड। हाँ, उनका करिकुलम पढ़ा हुआ उनकी वेबसाइट पे, सैंपल पेपर भी पढ़े हुए उनकी वेबसाइट पे, और वो आपको वहां से मिल जाएंगे। और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि किस टॉपिक से एप्लीकेबल नॉलेज आ सकता है। मजीद ये कि AKU में खाली जो है आपके AKU का जो एंट्री टेस्ट होता है उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। जो आपका पहला पार्ट है वो उसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के MCQs आते हैं, और जो दूसरा पार्ट है उसमें आपके दो तरह के MCQs होते हैं, एक होता है साइंटिफिक रीजनिंग और एक होती है मैथ्स रीजनिंग। तो बेसिकली जो FSC लेवल स्टूडेंट्स हैं, FSC बेस्ड स्टूडेंट्स जो हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में तो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन चूंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती साइंटिफिक रीजनिंग और मैथ्स रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, तो वो ज्यादातर वहां पे मार खा जाते हैं। तो इसके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि मैथ्स रीजनिंग के लिए तो गूगल पे आप सर्च करें तो काफी आपको इसके क्वेश्चन ट्राई करने को मिल जाएंगे, उनके जो जिन टाइप के उनके क्वेश्चन आते हैं। वही साइंटिफिक रीजनिंग की भी काफी PDFs अवेलेबल होते हैं क्वेश्चन के। तो यही है कि साइंटिफिक और मैथ्स रीजनिंग की ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है,
एफएससी बेस्ड स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनके उस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस नहीं होती और वो जो है आपके 50% ऑफ द पेपर बनाते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि एमडी कैट के बच्चे डर जाते हैं आगा खान के टेस्ट से, क्योंकि उसके अंदर मैथ का भी एक पोर्शन है कि मैथ का पोर्शन भी आपको क्लियर करना पड़ता है। सो दैट्स द गुड थिंग। और अगर हम वैसे चैलेंज स्कॉलरशिप को मैं पूछ रहा था कि अब हमने आगा खान को तो टेस्ट डिस्कस कर लिया, अगर कोई चैलेंज स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका एक कदर टेस्ट होता है शुरू के अंदर, तो वो टेस्ट की कोई प्रिपरेशन के लिए किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कोई आइडिया? बिल्कुल, एक यू ने इसका भी काम आसान किया है, इसके भी सैंपल पेपर्स पड़े हुए उनकी वेबसाइट पे, चैलेंज स्कॉलरशिप प्रोग्राम में जब अप्लाई करते हैं नीचे ही साथ उनके सैंपल पेपर्स पड़े हुए, और वो वही सैंपल पेपर थे जो यानी पास्ट पेपर्स ही एक तरह से, उसी के क्वेश्चन उन्होंने सैंपल पेपर में इंक्लूड किए हुए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। जहां तक मुझे याद है, जो मैं जब मैंने सीएसपी का टेस्ट दिया था तो मेरे ख्याल में वो बेसिक साइंसेस के क्वेश्चन थे, बेसिक साइंस के, और अगर आपको बेसिक साइंस आपकी थोड़ी बहुत स्ट्रांग है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, 8, 9, 10th की क्वेश्चंस लग रहे थे, वो ज्यादा कोई इतने कोई डिफिकल्ट भी नहीं थे। साथ उसमें एक इंग्लिश का पोर्शन होता है, तो बेसिकली एफएससी वाले ज्यादातर इंग्लिश और मैथ्स वाली जगह पे ज्यादा घबरा जाते हैं, उसमें एक इंग्लिश का पोर्शन होता है, उसमें कम नंबर आ जाते हैं, तो यही मेन होता है। और इसके अलावा आपके जो मैट्रिक के मार्क्स है वो ज्यादा काउंट करते हैं, क्योंकि मैंने देखा था कि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आए हुए थे उनमें से कोई 95-96% से नीचे नहीं था मैट्रिक में। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। मैंने जो मैंने भी टेस्ट दिया था, मेरा आई थिंक कि मैथ आई थिंक मेरी रह गई थी, तो उसके अंदर जो साइंसेस का जो पोर्शन था, आई ऑब्जर्व्ड वन थिंग कि साइंसेस के अंदर जितना भी वो उन्होंने मटेरियल ऐड किया हुआ था उसमें से ज्यादातर चीजें ग्राफिकल भी थी, कुछ कुछ पोर्ट्रेट किया हुआ था और बताया गया था कि हाँ अब आप हमें बताएं कि ये क्या हो रहा है। लाइक आई रिमेम्बर द वन क्वेश्चन जो कि था, एक कोयले की कान थी, उसके पास से नदी गुजर रही थी और उन्होंने कहा हुआ था कि ये अभी आप मुझे बताएं कि पानी पॉल्यूटेड है, पानी के अंदर कौन से क्या कहते हैं पॉल्यूटन कार्सिनोजेनिक और दूसरे जो एलिमेंट हैं वो कौन से होंगे। आई वाज कंफ्यूज कि कौन से होंगे, लेकिन बाद में मुझे आके पता चला कि यार ये उसका जवाब था। तो इस तरह की 9th 10th के अंदर भी चीजें काफी ज्यादा ऐड हैं, तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आगा खान चैलेंज स्कॉलरशिप सो यू कैन फोकस ऑन those things also. So thank you Musa Hamza, it was very nice chat, or I think it will be very helpful for others ke jo Aagha Khan mein jana chahte hain aur financial freedom hasil karke jana chahte hain, to unke liye ye jo tips aur tricks Musa Hamza ne share ki hain ye bahut zyada helpful honge. Thank you. Agar aapko kisi bhi koi question hai you can ask in comment box. Okay Musa, thank you very much. Thank you very much Shahid.